राजन शाही के शो से निकाले जाने के बाद बदली शहजादा धामी और प्रतीक्षा की किस्मत। अरमान और रूही को मिला ये बड़ा रियलिटी शो। तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। दोस्तों, बिग बॉस OTT सीजन 3 शुरू होने से पहले अब दो कंटेस्टेंट और भी कंफर्म हो चुके हैं। अनिल कपूर इस बार बिग बॉस को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ बिग बॉस ने ये भी अपने फैंस से वादा किया है कि वो इस बार का सीज़न ऐसा लाने वाले हैं जिसके बाद सारे सीज़न भूल जाएंगे आप। लेकिन पुराने अरमान के कैरेक्टर से शो से निकाले गए शहजादा धामी और प्रतीक्षा की चर्चा तो हर तरफ है। फिलहाल के लिए ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में, अरमान और आबिरा की केमिस्ट्री, रूही की केमिस्ट्री रंग ला रही है। लेकिन दूसरी तरफ पुराने अरमान को कैसे भूल सकते हैं, जिससे राजन शाही करियर बर्बाद कर देने वाली बात कह चुके थे। लेकिन अब फाइनली ये रिश्ता क्या कहलाता है शो से निकलने के बाद भी राजन शाही की एक नहीं चली और मिल गया बड़ा रियलिटी शो। दरअसल बिग बॉस OTT सीजन 3 शुरू होने से पहले प्रतीक्षा और शहजादा धामी, जो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में अरमान और रूही का करेक्टर निभा चुके हैं, इनको लेकर अब मेकर्स ने ले लिया है बड़ा फैसला। अनिल कपूर ने कहा कि इस बार के सीज़न में बहुत सारे कंटेस्टेंट आने वाले हैं, लेकिन सबकी निगाहें टिकी हैं शहजादा धामी और प्रतीक्षा पर, क्योंकि इन दोनों के एक्टर्स के अफेयर की चर्चा, डेटिंग की चर्चा, साथ ही साथ शो से एक साथ निकाले जाने के बाद से ही राजन शाही ने तो दोनों ही एक्टर्स को करियर बर्बाद करने तक की धमकी दे दी थी। लेकिन अब सलमान खान के इस शो में सहारा मिला है प्रतीक्षा और शहजादा धामी को। खुद ब खुद अनिल कपूर ने इस बात का कन्फेशन किया है कि शहजादा और प्रतीक्षा इस शो का हिस्सा होंगे इस साल के बिग बॉस OTT सीजन 3 का। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ प्रतीक्षा और शहजादा धामी ही नहीं, शिवांगी जोशी जैसे बड़े बड़े टैलेंटेड एक्टर्स भी इस शो का हिस्सा बनने वाले हैं। फिलहाल आप बताना कमेंट बॉक्स में आप कितना एक्साइटेड हो ओल्ड अरमान और रूही को बिग बॉस OTT सीजन 3 में देखने के लिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।